दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हो चुका है 30 दिसंबर 2018 और आज रविवार के आशा आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें आपके लिए हाजिर हैं। पहली खबर से लेकर आखिरी खबर तक सभी खबरें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन 5 तक और ये न्यूज आ रही है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। एकीकृत बाल विकास परियोजना बिल्हा की ग्राम पंचायत कुआं के केंद्र क्रमांक 1 व ग्राम डोड़की में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी तय है। अपना आवेदन परियोजना कार्यालय बिलहा में जमा किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप यहां के निवासी हैं तो यहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी तारीख ध्यान रखिएगा 5 जनवरी। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज आ रही है बिहार के कैमूर से। मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने डीपीएम कार्यालय को घेरा। अपनी मांगों के समर्थन में 1 दिसंबर से सदर अस्पताल परिसर में धरना दे रही आशा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को नगर की सड़कों पर जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने सदर अस्पताल पहुंचकर डीपीएम कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की, साथ ही स्वास्थ्य विभाग व सरकार को कोसा। आशा कार्यकर्ता संघ की जिलाध्यक्ष शबिया पांडे व सचिव रीता देवी ने कहा कि 600 रुपए प्रोत्साहन राशि देकर हम लोगों से सरकार सरकारी सेवक के रूप में कर लेती है। महंगाई के इस दौर में दे प्रोत्साहन राशि का कोई मतलब नहीं है। सरकार हम लोगों को सरकारी सेवक घोषित करते हुए 18,000 रुपए मानदेय दे। और दोस्तों अगली बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से स्मार्टफोन पर अपलोड होंगे 11 योजनाओं के विवरण। ICDS विभाग की 11 योजनाओं का विवरण अब स्मार्टफोन पर अपलोड रहेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन पर योजना का विवरण अपलोड करने का तरीका बताया गया। रजिस्टर के बजाय अब स्मार्टफोन पर विभागीय डाटा उपलब्ध रहेगा। यह बातें DPO सत्येंद्र सिंह ने बीते दिन सदर तहसील सभागार में देहात परियोजना के अफसरों व कर्मचारियों के 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यालय का शुभारम्भ करते हुए कही। और दोस्तों अगली बड़ी जानकारी, बिहार के पटना से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जाम किया NH2 FIR का आदेश। अपनी 18 सूत्री मांग को लेकर धरने पर बैठी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को बड़ा झटका लगा। शनिवार को विरोध करने पहुंची कार्यकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यालय दुल्हिन बाजार पहुंची। इसके बाद आक्रोशित सेविका और सहायिकाओं ने NH2 पर धावा बोल दिया। बड़ी संख्या में महिला पहुंची और मुख्यमंत्री और समाज कल्याण मंत्री का पुतला दहन किया। CDPO बीना कुमारी ने कहा कि कार्यालय के बाहर अगर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका धरना देंगी तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। इस आदेश को सुनकर भी कार्यकर्ता नहीं उठे। आदेश जारी करने के कुछ देर बाद ही CDPO अपने कार्यालय से उठकर चली गयी। और दोस्तों अगली बड़ी जानकारी है बिहार के वैशाली से। आशा कार्यकर्ताओं ने जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष किया प्रदर्शन। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा संचालित संघर्ष समिति मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा एवं वैक्सीन कुरियर संघर्ष समिति की हड़ताल शनिवार को भी जारी रही। राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर शनिवार को पिछले 19 दिनों से 12 सूत्री मांगों के समर्थन में आशा कार्यकर्ता व 7 सूत्री मांगों के समर्थन में पिछले 15 दिनों से डटे वैक्सीन कुरियर कर्मचारियों ने जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रदर्शन किया। और दोस्तों अगली बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश के दामोह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन की अंतिम सूची जारी। एकीकृत बाल विकास परियोजना ग्रामीण के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए गत दिवस खंड स्तरीय चयन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का अंतिम चयन किया गया। अंतिम चयन करने के बाद सभी अभ्यर्थियों की अंतिम सूची लगा दी गई है। और दोस्तों अगली बड़ी जानकारी है बिहार से। नीतीश जी, थोड़ा हिम्मत दिखाइए और केजरीवाल सरकार की राह पर चलकर दिखाइए आप। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत 15 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का हड़ताल जारी है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में शनिवार को बाल विकास परियोजना पटना सदर 3 के कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और ककड़बाग टेम्पो स्टैंड चौराहे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं समाज कल्याण मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा का पुतला दहन किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी बबलू प्रकाश ने आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा सूबे के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 24 दिनों से ताला लटका हुआ है, छोटे बच्चों के मुंह से निवाला छिन गया है, ऐसे में कुपोषण भगाने का सपना कैसे पूरा होगा। उन्होंने कहा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,178 रुपए मासिक मानदेय देती है। सहायिकाओं की सैलरी 2500 से बढ़ाकर 4839 रुपए कर दी गई है। उनके लिए भी 250 रुपए मोबाइल की जोड़कर 5089 रुपए महीना देती है। बबलू प्रकाश ने सूबे के CM नीतीश कुमार से कहा थोड़ा हिम्मत दिखाइए और केजरीवाल सरकार की राह पर चलकर दिखाइए। और दोस्तों अगली बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश के रामपुर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन। न्यूनतम वेतन, पेंशन आदि मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन ने अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष मिथिलेश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मानदेय वृद्धि का अभी तक भुगतान नहीं किया है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने, मासिक पेंशन दिए जाने समेत अन्य मांगों के निस्तारण पर भी सरकार ने कोई पहल नहीं की है, जिससे कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में रोष है। उन्होंने कहा कि मांगों का निस्तारण न होने पर ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर के आह्वान पर समस्त आंगनबाड़ी और सहायिका 8 व 9 जनवरी को 2 दिवसीय
दिवसीय हड़ताल का आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखकर प्रदर्शन करेंगी। और दोस्तों अगली बड़ी खबर ये, बिहार के शेखपुरा से आशा कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण बाधित कर ताला जड़ा। पिछले एक महीने से हड़ताल कर आंदोलन कर रही जिला की आशा दीदियों ने शनिवार को अपनी ताकत दिखाई। शनिवार को आंदोलन आशा कार्यकर्ताओं ने उग्र रूप धारण करते हुए एमआर प्रशिक्षण को बाधित कर दिया तथा पीएससी शेखपुरा व जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय में तालाबंदी कर दी। शनिवार को इस आंदोलन से डीएचएस से लेकर पीएससी तक सभी काम ठप हो गया। आंदोलित आशा दीदियों ने जिला स्वास्थ्य समिति में चल रहे मीजल्स रूबेला ट्रेनिंग को जबरन बंद करा दिया। और दोस्तों अगली बड़ी खबर ये, बिहार के मोतिहारी से आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। जहां न जाए कोई गाड़ी वहां जाए आंगनबाड़ी आदि नारों के साथ प्रखंड आईसीडीएस कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने अपनी 15 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा का पुतला दहन किया। प्रखंड की सेविकाओं के द्वारा सीडीपीओ कार्यालय में तालाबंदी की गई। तालाबंदी के बाद सेविका आईसीडीएस कार्यालय परिसर में ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगी। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज आ रही है, उत्तराखंड के रुड़की से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मानदेय बढ़ोतरी को लेकर हुंकार भरी। तहसील मुख्यालय पर शनिवार को आयोजित बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के वेतन को ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर बताया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को 20,000 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 15,000 रुपए प्रतिमाह वेतन देने की मांग की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की ओर से जरूरत से ज्यादा कार्य किया जाता है। उनकी ओर से स्वास्थ्य संबंधी जनगणना के अलावा भी अनेक कार्य किए जाते हैं, लेकिन उनके कार्य के हिसाब से उन्हें मिलने वाला मानदेय बहुत कम है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 20,000 रुपए और सहायिकाओं को 15,000 रुपए मिलना चाहिए। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज आ रही है, बिहार के मुजफ्फरपुर से आशा ने सिविल सर्जन की गाड़ी का किया घेराव। बात करने उतरे तो बना लिया बंधक। आशा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को डीएचएस स्थित कार्यालय जा रहे सिविल सर्जन की गाड़ी को घेर लिया और जमकर हंगामा किया। इस पर सिविल सर्जन डॉक्टर शिवचंद भगत गाड़ी से उतरकर बात करने लगे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें बंधक बनाना चाहा। हालांकि इसके बाद जैसे ही उन्हें मौका मिला तो वे गाड़ी छोड़कर पैदल ही कार्यालय की ओर भाग गए। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज आ रही है, बिहार से नगरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने फूंका मंत्री का पुतला। सहारण जिला अंतर्गत नगरा प्रखंड में कल मानदेय बढ़ाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने परियोजना कार्यालय स्थित छपरा मशरख मुख्य पथ पर समाज कल्याण मंत्री का पुतला फूका व मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर अपने संबोधन में बिहार राज्य आंगनबाड़ी अध्यक्ष अनीता चौबे ने कहा कि सेविका तथा सहायिका अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। बैठक में परियोजना के 15 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई है। और दोस्तों अगली बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मिला कैश एप्लीकेशन का प्रशिक्षण। बाल विकास एवं पुष्टार व केयर इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का आयोजन सदर तहसील सभागार में किया गया। शनिवार को मास्टर ट्रेनर को विभाग की योजनाओं से संबंधित जानकारी व सूचनाओं को ऑनलाइन करने की जानकारी दी गई। डीपीओ सत्येंद्र कुमार सह ने कहा कि कैश एप्लीकेशन के माध्यम से बाल विकास विभाग से दी जाने वाली सेवाओं के मॉनिटरिंग में आसानी होगी, साथ ही यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि किस लाभार्थी को कौन सा योजना का लाभ मिल रहा है। और दोस्तों अगली बड़ी जानकारी है, बिहार के बक्सर से सेविकाओं ने फूंका समाज कल्याण मंत्री का पुतला। आशा कार्यकर्ताओं की तरह अब उग्र रूप आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने भी धर लिया है। शनिवार की दोपहर उग्र प्रदर्शन करते हुए चौसा यादव मोड़ पर समाज कल्याण मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा का पुतला दहन का विरोध जताया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और दोस्तों अगली बड़ी जानकारी है, बिहार के सुपौल से आशा ने किया डीएचएस का घेराव। कार्यालय में मारा ताला। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ के आह्वान पर अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटी जिले की आशा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सदर अस्पताल परिसर स्थित जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यालय का घेराव किया। निर्धारित कार्यक्रम के तहत सभी आशा कार्यकर्ता सुबह 10 बजे जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के पास जमा हो गई और कार्यालय के गेट पर ताला जड़ घेराव किया। तत्पश्चात सभी आशा कार्यकर्ता जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के गेट के पास ही धरने पर बैठ गई और नारेबाजी करने लगी। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज आ रही है, बिहार के पटना से गुस्साई आशा को देखते ही कार्य से बाहर निकल गए सिविल सर्जन। सरकारी कर्मचारी घोषित करने व 18,000 रुपए मानदेय की मांग को लेकर आशा की हड़ताल शनिवार को भी जारी रही। आशा ने शनिवार की दोपहर सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन ऑफिस का घेराव किया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट द्वारा आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर किया गया। स्थानीय गांधी मैदान से जिले भर की आशा कार्यकर्ता एकत्रित होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन के कार्यालय से समक्ष पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। जैसे ही प्रदर्शनकारियों का काफिला सदर अस्पताल पहुंचा, वैसे ही सिविल सर्जन कार्यालय छोड़कर चले गए। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज आ रही है, छत्तीसगढ़ के कांकेर से कर्मचारी संगठन विधायक से मिले, कहा वादा पूरा करें। विधायक अनूप नाग ने शनिवार को विश्राम गृह में विभिन्न कर्मचारी संघों से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र अनुसार
मांग पूरा करने का ज्ञापन भी सौंपा। विधायक गांव-गांव का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी दौरान वे विश्राम गृह पहुंचे। यहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सायका संघ ने मुलाकात की। संभागीय महामंत्री मोनिका शाह ने आंगनबाड़ी को प्री नर्सरी स्कूल में बदलने का वादा पूरा करने की और कार्यकर्ता को प्री शिक्षक के रूप में बदलने का वादा पूरा करने की मांग की। विधायक ने इस संबंध में प्रदेश के मुखिया के समक्ष रखने की बात कही और सभी संघों को यही आश्वासन दिया। और दोस्तों अगली बड़ी जानकारी है, बिहार के भागलपुर से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने किया प्रदर्शन। अपने 15 सूत्री मांगे पूरी नहीं होने से नाराज आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका शनिवार को आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रखंड कार्यालय परिसर में राज्य के समाज कल्याण मंत्री के विरोध में प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ की उपाध्यक्ष सह प्रखंड अध्यक्ष पिंकी कुमारी के नेतृत्व में सैकड़ों सेविका व सहायिका रैली के रूप में सुभाष चौक से भ्रमण करते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंची और विरोध प्रदर्शन किया। और दोस्तों अगली बड़ी जानकारी है, मध्य प्रदेश के दतिया से आशा को दी गई जांच किट। गांव में होगी मलेरिया की जांच। शनिवार को जिला अस्पताल सभागार में मलेरिया सहित मच्छरों से पैदा होने वाले बीमारों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से आशा कार्यकर्ताओं को डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया एवं अन्य वाहक जनित रोगों के संबंध में जानकारी दी गई। उन्हें सामान्य डेंगू रोग के लक्षण इलाज के बारे में बताया गया। गंभीर लक्षणों की स्थिति में नजदीकी अस्पताल में तत्काल उन्हें रेफर करने की सलाह दी गई। इस दौरान उन्हें मलेरिया के किट भी दिए गए, जिसके द्वारा वो घर घर जाकर जांच करेंगी। और दोस्तों अगली बड़ी जानकारी है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आशाओं ने कहा नहीं बांटेंगी साड़ियां। विकास खंड कनाली छीना की आशा कार्यकर्ताओं ने साड़ी और कंडोम वितरित नहीं करने का ऐलान किया है। आशाओं ने कहा है कि उन्हें अच्छा मानदेय चाहिए। इस संबंध में आशा संगठन कनाली छीना की अध्यक्ष कमला भट्ट की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि आशा पहले ही साड़ियां और कंडोम का वितरण नहीं करने का निर्णय ले चुकी है। इसके बाद भी क्षेत्र में साड़ियां और कंडोम का वितरण किया जा रहा है। आशा कार्यकर्तियों पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है, आशा इसका विरोध करेंगी। बैठक के बाद आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर वितरण के लिए उन पर जबरदस्ती किए जाने पर विरोध जताया। तो दोस्तों आज मैंने आपको दी आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देश के ज्यादातर क्षेत्रों से आपके लिए आशा और आंगनबाड़ी की न्यूज कवर कर सकूं। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है। अगर आप हमारी इस मेहनत का फल देना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए। और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।